हेलो फ्रेंड्स, आई एम सत्या। तो बने रहना हमारी वीडियो में। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि जो हमारा यूट्यूब का नेम होता है उसको सिंपल नेम से स्टाइलिश नेम में कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी 50 करेक्टर्स के, 50 वर्ड्स के जो होते हैं आईडी, वो लगा लेंगे हम अपनी यूट्यूब के नेम में, वो भी बहुत ही सिंपल मेथड से। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो है अपना गूगल क्रोम ओपन करना होगा। तो चलो हम अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। ये रहा मेरा गूगल क्रोम है। यहाँ पे सर्च करना है हमको अपना यूट्यूब, तो यहाँ पे हम अपना यूट्यूब सर्च कर लेते हैं। यूट्यूब को ओपन करने के बाद फिर ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर हमें क्या करना है, ये जो ऊपर टॉप पे 3 डॉट दिख रही है, ये मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये जो 3 डॉट दिख रही है, सिंपली हमको इस पर टैप करना है। इस पर हमको टैप करके जो है इसको डेस्कटॉप साइट कर लेना है। यहाँ से ये रहा मेरा डेस्कटॉप साइट, ये सिंपली इस पर टैप कर देना है हमको। डेस्कटॉप साइट करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली हमको यहाँ से, एक मिनट, इसको हमको यहाँ से कट कर लेना है। मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ जो आईडी हमको लगाना है वो यहाँ पे लगेगी कि नहीं लगेगी। तो सिंपली हमको यहाँ से जो आईडी लगाना है वो आप लोगों को हम डायरेक्ट यूट्यूब से लगा के दिखा देंगे कि वो लगती है या नहीं लगती। तो चलो हम अपना यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। यूट्यूब ओपन करने के बाद हमको यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे टच करना है। प्रोफाइल पे टच करने के बाद हमको यहाँ पे जाना है योर चैनल पे। ये जो योर चैनल का आ रहा है ऑप्शन, इस पर जाना है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं, यहाँ पे जो है एडिट चैनल का ऑप्शन आ रहा है। एडिट चैनल पे सिंपली हम टैप करेंगे। ये रहा एडिट चैनल पे, सिंपली हम टैप करके जो है यहाँ से हमको पेल्थिन का आइकन दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे। इसके बाद हमको यहाँ से अपना नेम, वो मैं कॉपी करके दिखा देता हूँ पेस्ट करके, इसको यहाँ से कट करेंगे। और फिर हमको यहाँ पे अपनी ब्रांडेड आईडी पेस्ट करके दिखाऊंगा लगेगी कि नहीं। ये देखो 50 वर्ड्स की है, 50 वर्ड्स की आईडी है। तो मैं यहाँ से आप लोगों को ओके करके दिखाऊंगा कि लगती है या नहीं लगती। चलो मैं ओके कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखो यहाँ से ये नहीं लगेगी ऐसा बता रहा है। तो फिर हम आप लोगों को दिखा देते हैं कहाँ से लगेगी। जो हमने क्रोम को ओपन किया था अभी, सिंपली हमको वो ओपन कर लेना है। इसको यहाँ से कट कर देते हैं। ये रहा मेरा क्रोम। तो फिर यहाँ पर आने के बाद हमको जाना है अपने प्रोफाइल पे। ये जो दिख रहा है ये प्रोफाइल, सिंपली अपने प्रोफाइल पे टच करना है एक बार। यहाँ पे टच कर लिए, इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। हमको यहाँ पे जाना है योर चैनल में, यहाँ पे जाना है अपने योर चैनल में। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो हमको अपनी डीपी दिख रही है सत्या, यहाँ के बगल ये जो डीपी दिख रही है, सिंपली हमको यहाँ पे डीपी पे टच करना है एक बार। डीपी पे टच कर लेते हैं। चलो हम डीपी पे टच करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा आप लोगों के सामने। फिर यहाँ पे हमको कंटिन्यू करना है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसको कंटिन्यू करना है, और इसको, इस वाले ऑप्शन को यहाँ से क्लोज करना है, इस वाले ऑप्शन को यहाँ से क्लोज करना है, और फिर इस वाले को भी यहाँ से सिंपली क्लोज कर लेना है। तो अब हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाना है बेसिक इन्फो, ये जो दिख रहा है बेसिक इन्फो, सिंपली इस पर जाना है हमको। तो यहाँ पर बेसिक इन्फो है। इसके बाद ये जो पेल्थिन का आइकन दिख रहा है आप लोगों को, ये जो पेल्सिन का आइकन दिख रहा है, सिंपली इस पर टैप करना है एक बार हमको। इसके बाद यहाँ से हमको जो है अपना इसको कट कर लेना, जो नेम लिखा होगा वो वहाँ से कट कर लेना। फिर यहाँ पे जो आईडी जो है, ब्रांडेड आईडी जो बनानी है आपको, वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। सिंपली यहाँ पे पेस्ट करने के लिए थोड़ी देर हम यहाँ पे टच किए, फिर पेस्ट का ऑप्शन आ गया। ये मेरी 50 वर्ड्स की आईडी यहाँ पे पेस्ट हो गई। फिर यहाँ से हमको क्या करना है, जो सबसे मेन काम है, यहाँ पे हमको पॉसिबल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सिंपली पॉसिबल पे टच कर देना है। फिर ये लो मैं टच कर दिया, थोड़ा सा वेट करना। यहाँ पे ये देखो गो टू चैनल, यूट्यूब पे आने के बाद हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि वो नेम यहाँ से चेंज हुआ या नहीं। ये रहा योर चैनल पे गए, ये देखो मेरा नेम जो है लग गया यहाँ से। ये देखो ये मेरा नेम यहाँ से लग गया। तो बहुत ही सिंपल है यार, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये कितनी वर्ड्स की है। देखो 50 वर्ड्स की आईडी लग गई मेरी यहाँ से। तो बहुत ही सिंपल है, 50 वर्ड्स की आईडी लगाने का बेस्ट मेथड है ये। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।